बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्या सीन है। तो हेलो गाइस, आ गए मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमें यहाँ पे आकर बहुत एडवेंचरस महसूस हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको पूरी लोकेशन एक्सप्लोर करूँगा और हम आखिरी तक जाएंगे, पूरा जू एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भाइयों, एंट्री करने की भाई बहुत लंबी लाइन थी। आप मानोगे नहीं, बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 6000 लोग ऐसे लग रहा था। 6 लाइन थी, मतलब अलग अलग तरह की, और पूरे टोटल 6000 बंदे थे, क्योंकि यहाँ पे 6000 बंदे अलाव हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे पानी का फव्वारा चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। और हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे और पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद कलर का लोहेन भी है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और बाहर जाने का देखो रास्ता दिखा रहा है, आ भी घुसे ही नहीं और बाहर जाने का पहले रास्ता बता रहा है। अरे वाओ काली डक, ये तो बढ़िया है एकदम। देख रहे हो एक पैर पर खड़ी हुई है और इसको नींद आ रही है, ये सोने वाली लग रहा है मेरे को। ये देखो सो गई है। तो ये बहुत अच्छी डक थी, देखा आपने, इसका खाना भी रखा हुआ है साइड में, अब खाएगी थोड़ी देर बाद, इसको नींद आ रही है अभी। तो अब हमारे सामने है सफ़ेद कलर का शेर। ये खूंखार जानवरों में से एक माना जाता है, जिसकी धार से लोग जो है कप कप ही छूटने लग जाती है, और जो जानवर होते हैं वो भगते हुए नज़र आते हैं। और देखिए अभी अपने शिकार को इंतज़ार कर रहा है, अभी इसको खाना दिया जाएगा और ये खाएगा, और ये अभी घूम रहा है इधर उधर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नर और मादा का प्रजनन चल रहा है, क्योंकि ये समय नर और मादा के प्रजनन का समय है। इस समय नर और मादा प्रजनन करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ बब्बर शेर, देखो कैसे सो रहा है, ये जंगल का राजा है एकदम। इसकी जो आवाज़ है उसकी धार से भाई बंदे कप कप ही छूटने लग जाती है, लोग हिल जाते हैं। और इसकी एक नज़र पैनी नज़र होती है, देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है हमें। और इसकी नज़र हमारी तरफ ही है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और ये कहना मैं किसी को भी खा जाता है, किसी को भी नहीं बख्शता।
तो ये है अफ्रीकन एलिफेंट। इसके जो दांत देख रहे हो कितने खतरनाक हैं, और इसकी सूंड भी बहुत बड़ी है। इस सूंड से ये पानी पीता है, और देखो ये इधर उधर घूम रहा है अभी। तो ये है वाइट शेर। इसकी नज़र बहुत पैनी होती है। इसके देखो कैसे धारियां धारी आई हुई हैं, और ये देखो ये भी उठेगा। ये उठ के देखो भाई, ये देखो 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 ये उठ के जा रहा है। देखो देखो कैसे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो ये है लकड़बग्घा, जो अपने शिकार पे पैनी नज़र रखता है, उसको छोड़ता भी नहीं, उसकी हड्डी तक को नहीं छोड़ता। ये बहुत खतरनाक है ये। तो ये है मगरमच्छ, जैसे कि आप देख रहे हो वो बिल्कुल शांति से सोया हुआ है, और अभी ये बाहर है, ये धूप ले रहा है, अभी पानी में भी जाएगा ये। और ये बहुत ही खूंखार होते हैं, किसी को भी खा जाते हैं, और ये यहाँ रहता है। तो ये है वाइट कलर का मोर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वाइट कलर का मोर, और ये हमें ही देख रहा है। तो भाइयों इसे राइनोसोरस कहते हैं, और ये क्या नाम है, देखिए पानी में अभी नहाने गया था, और ये डायनासोर के ज़माने का है। तो इसकी प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं, काफ़ी रेयर पीस हैं। और वहाँ पे देखिए मोर भी है। तो ये स्पॉटेड डियर है, इनका नाम स्पॉटेड डियर है, और शेर इन्हें खा जाते हैं, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते जब इनका शिकार करते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मासूम जानवर हैं ये। और इनकी प्रजाति जो है विलुप्त होती जा रही है।
और इनके सींग देख रहे हो, इनके सींग अलग ही तरीके के हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही पहने होते हैं, पर किसी के अगर अंदर पेट में घुस जाए तो वो पेट फाड़ देता है। बहुत ही खतरनाक जानवर हैं ये, और अगर इन्हें गुस्सा आता है तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं ये, तो इनसे दूरी बनाए रखें। और ये देखो जा रहा है, इसकी बुराई कर दी ना इसलिए चला गया। और ये मैंने आपको पहले ही कहा था ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, अगर एक जाता है एक ही जाएगा तो सारे इसके पीछे पीछे जाना है। तो इन्हें कहा जाता है सांबर, और ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और इनके देखिए सींग निकले होते हैं, देखिए सांबर, ये खाने वाला सांबर नहीं है भाई, और इनका नाम ही सांबर है। और देखिए कितना बड़ा मुंह होता है इनका, और ये एक पानी पे पहले खड़े रहते हैं, उसके बाद ये पानी को, पानी में मछली वगैरह ढूंढ रहे हैं, और फिर ये खाएंगे उनको। बहुत ही खूबसूरती से देखिए इनके बर्ड्स के पंख वगैरह कितने सॉफ्ट होते हैं, दूर से ही पता लग रहा है। तो बहुत ही मेहनत से अपनी चोंच को देखो पानी में डालना और मछली को ढूंढ रहा। देखिए इन्हें कैसे मछली एक मिल चुकी है, एक मछली इन्हें मिल गई है, एक मछली खा रहा है। इसका आंखें जो होती हैं अपनी शिकार के ऊपर रहती है हमेशा, और शिकार को पकड़ के मछली को दबोच कर ये खा जाता है, क्योंकि नेचर ने इन्हें ऐसा ही बना रखा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शेर की पेंटिंग भी बन रखी है, एक्चुअली ये शेर की पेंटिंग नहीं है, ये रिफ्रेशमेंट है, यहाँ पे आगे रिफ्रेशमेंट मिलती है, जैसे कि कुछ खाने पीने की आइटम्स हो गई, कोक हो गई, पेप्सी हो गई, यहाँ पे सब मिलती है। और यहाँ पे देखिए आप साइड में लिखा हुआ है सेव एनिमल्स, कि हमें अपने जानवर्स को बचाना चाहिए, क्योंकि शेर की जो प्रजातियाँ हो रही हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं वाइट शेर जो हैं वो बहुत ही ख़त्म ही हो चुके हैं, बहुत ही कम रेयर हैं, जो इक्के दुक्के दिख जाते हैं और शहरों में बहुत ही कम ही दिखते हैं। और ये मोर है देखो, एकदम शांति से बैठा हुआ है, जैसे कि इसे कोई देख नहीं रहा हो, लेकिन हम इसे देख रहे हैं। तो इसे ब्राह्मणी कहते हैं, ब्राह्मणी मीन्स जो चील होती है बाज टाइप, तो इसको इंग्लिश वर्ड में ब्राह्मणी कहते हैं। और ये बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ती है, और इसके पंख टूट जाएं तब भी क्या नाम है ये हार नहीं मानती है, और बहुत ही लंबी उम्र तक जीती है। तो ये उल्लू है, ये रात को पाया जाता है और ये रात को ही उड़ता है, इसकी जो आंखें हैं सिर्फ रात में ही देख सकती है, दिन में नहीं देख सकती। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डायनासोर आ चुके हैं और यहाँ मुझ पे हमला कर रहे हैं तो भाई ये मैं भी डर गया था, लेकिन ये कहना है एक मूर्ति टाइप है, मूर्ति है ये देखो, और ये देखो नकली, एकदम पारक असली है और ये जो है ये सब नकली है। और ये जिराफ भी देखो इस तरीके से बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल है, लेकिन है और ये फेक। तो इन जानवर को कहते हैं घड़ियाल, ये होते तो मगरमच्छ की तरह है, लेकिन इनका जो मुंह का आकार होता है पतला और लंबा होता है,
और ये अपने शिकार को छुपके से पानी में बैठे होते हैं और फिर एकदम से दबोच लेते हैं और शिकार को एक ही झटके में मार गिराते हैं। तो इसे क्या नाम है, डक कहते हैं। ये देखिए पानी के किनारे बैठी हुई है और ये यहीं पे झुंड बना के रहना पसंद करते हैं। और ये जो आपने जू देखा ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें अलग अलग तरह के जानवर हमने आज आपको दिखाए, जैसे कि सफ़ेद कलर का शेर दिखाया और हमने अफ्रीकन एलिफेंट भी दिखाया आपको और काफ़ी तरीके के जानवर दिखाए, बर्ड्स वगैरह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, लाल वाले बटन को दबा देना। और यहाँ पर जू में ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से वाटरफॉल लगा हुआ है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं, बाय बाय।